लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। पियो जेकर फुजी प्राण, जिंदाबाद। पियो जेकर फुजी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सिंह चेक, आज हमने जो हमारी डिमांड्स है डीपीस की, रिफ्यूजी की, उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है। साथ ही मैं ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खासकर अपने प्रधानमंत्री जी को कि आपने वो मुश्किल के मुश्किल काम किए हैं। ये रिफ्यूजी का मसला जो है इतना है, पुराना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप दिलचस्पी लें, ध्यान दें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां आपने पहले हमें 5.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सिर्फ ये 5.5 से मसला हल नहीं होता है। अभी हमारा 24.5 लाख बैलेंस है, जो कि ड्यूटी आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था। आप उसके ऊपर पूरा अमल दरामद कराइए, तब जाकर हमें कोई तसल्ली होगी। और वरना ये हम सड़कों पर आते रहेंगे, चलाते रहेंगे, आज आप सुनते रहेंगे, आपके पास रिपोर्टें जाएंगी। लेकिन मैं फिर आपसे ये बड़ी एक नम्रता से दरख्वास्त करता हूँ, इल्तजा करता हूँ कि मेहरबानी कर कर आप जो पीओजेके के डीपी से हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगराइज का है, सबके ऊपर अमल दरामद कीजिए और जो उनका हक है वो दिलाइए। ताकि आप अगर इतने मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं जी, आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं मेन चार हमारी 5 डिमांड्स हैं जो मैं अभी रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो अभी पीओजेके का आपने काम बंद करवा दिया है, अभी तक हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और ना ही उसको कोई टेंडर कर रहा है, ना ही पैसा डाला जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप ध्यान दें। नंबर दो बात हमारी ये है कि वो लोग जो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में बैठे हुए हैं, वो पीओजेके के रिफ्यूजी हैं, उनको भी ये हक दिया जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें रिजर्वेशन दी जाए, जो हम आज कई सालों से चला रहे हैं, रिजर्वेशन दी जाए सीटों में, नौकरी में और एजुकेशन में। अगली बात मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा ग्रुप है रिफ्यूजी का जिसके पास एक मरला ज़मीन नहीं है, वो एग्रीकल्चर लोग हैं, वो ज़मींदार लोग हैं, और उनको ज़मीन दी जाए।